Hello everyone, this is Paridhi Nagda. This session is for 9th standard SSC board. In this video, today we are going to discuss the remaining story of the adventural novel, that is The Swiss Family Robinson by Johann David Wyss. In the previous video, we have discussed about the situation which this family was facing. In that, William and Elizabeth, along with their children, faced a storm during their journey in sea, and somehow they reached an island. Now, let us continue the story. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. अब आइलैंड वो लोग पहुंच चुके हैं और आइलैंड पहुंचने के बाद एलिजाबेथ जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड विलियम से कहती है कि अब फैमिली को एक सेफ प्लेस पर ले जाना चाहिए हमको, जो ज़्यादा सेफ हो. सेफर इन द सेंस ज़्यादा सेफर हो. देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट. और जहाँ वो अभी रह रहे थे, करंट कैंप, वो थोड़ा फट गया था, वो प्रॉपर नहीं था और काफ़ी ड्राई और हॉट था. इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम चेकर्स. अब द वाइफ, व्हाट शी टोल्ड, वाइफ ने कहा कि अगर हम कोई अच्छा घर बना लेते हैं पेड़ों के वहाँ पर, बड़े पेड़ों के यहाँ पर, तो हम लोग अच्छे से भी रह पाएंगे, एट द सेम टाइम हम वाइल्ड एनिमल्स से भी सेफ रहेंगे. She described a perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. उसने एक perfect tree का के बारे में बताया कि हमको एक बड़ा tree चाहिए होगा जिसका जो trunk है, जो तना है, वो at least 40 feet in diameter होना चाहिए. इतना बड़ा होना चाहिए. The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect for a structure. और उसकी branches ऐसी होनी चाहिए जो लंबी हो, long हो और straight, so that they can stay there safely. Later, when determining the height of lower branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. As I told you before also, that this novel helped people in knowing various values, or you can say like knowing various subjects. Usme ek mathematics bhi tha, if you remember in last video I told you. Okay, so is line mein kya dikh raha hai ki jab father ne apne bachchon ko samjhaya, wo ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज ही दे रहे थे. उन्होंने बताया कि हमको ये देखना होगा कि हाइट कैसी है ब्रांचेस की, जो सबसे नीचे है ब्रांच, जो लोवेस्ट ब्रांच है, उसकी हाइट कितनी है. और उसके लिए उन्होंने ज्योमेट्री को यूज़ किया, उन्होंने ट्रायंगल्स यूज़ किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए ट्रायंगल को यूज़ किया उन्होंने. ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक, देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स. अब उसने क्या किया, विलियम ने, उसने एक प्रॉपर डिस्टेंस से ट्रंक मीन्स ट्री, जो उन्होंने सेलेक्ट किया था उस ट्री के ट्रंक से एक प्रॉपर मेजरमेंट लिया, और उसके बाद उन्होंने एक कुछ प्रॉपर एंगल्स सेट किए और कुछ रॉड मीन्स यू नो रॉड इन द सेंस लकड़ी, या फिर जो रॉड्स होती हैं, ठीक है, लकड़ी, वुडन रॉड्स. तो उन रॉड की हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक एंगल मीन्स एंगल सेट किया, या फिर आप कह सकते हैं कई सारे मेजरमेंट उन्होंने लिए उन रॉड्स की हेल्प से. Determining that the lowest branch was 30 feet off the ground, और उन्होंने ये चीज़ मानी कि जो lowest branch है वो around 30 feet ऊपर है ground से. The man noted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. और जो लोग जो काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, knotted means you know that किस चीज़
को बांधना, टाई करना रोप को। तो उन्होंने रोप को नॉट किया, एक गठान लगाई उसकी, और कुछ सर्टेन इंटरवल्स, यू कैन सी दिस पिक्चर दैट कुछ कुछ इंटरवल्स में उन्होंने क्या किया, तरीके से लैडर तैयार करी। काय की लैडर? बैम्बू की हेल्प से उन्होंने इस टाइप से रोप और बैम्बू की हेल्प से एक लैडर तैयार की। दस दे क्रिएटेड देयर लैडर, और इस तरह से उन्होंने एक लैडर रेडी की। Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. जो father हैं, that is William, वो फिर से beach की तरफ लौटे और उन्होंने driftwoods, driftwood means, you know that there are dry woods in your, you can find in forests, on islands, so कुछ ऐसी dry wood उन्होंने फाइंड किए, ड्रिफ्ट वुड, दिस पिक्चर यू कैन सी, और उस वुड से उन्होंने क्या किया, ही कलेक्टेड देम सो दैट ही कैन बिल्ड अ स्लेज। मीन्स स्लेज क्या होता है, सी द स्लेज, स्लेज मीन्स एक तरीके से कार्ट होती है, यू माइट हैव सीन स्लेज ऑफ सांता क्लॉज, ठीक है, तो एक गाड़ी होती है एक तरीके की। तो उन्होंने क्या सोचा, अब व्हील्स तो पॉसिबल नहीं है लाना अभी, तो इंस्टेड ऑफ व्हील्स वो रनर्स, रनर्स इन द सेंस नीचे क्या यूज करेंगे, स्लेज को कैरी करने के लिए, स्लेज को इधर उधर मूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या कलेक्ट किया, ड्रिफ्ट वुड कलेक्ट किया। लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स, एंड उन्होंने उसका किस चीज़ में यूज़ किया, दे यूज इट इन ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. और अभी तक जब ये लोग काम कर रहे थे, उस टाइम एलिजाबेथ ने अनाउंस किया कि जिस गार्डन का वो ध्यान रख रही थी उसमें हेल्दी प्लांट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। कॉर्न, मेलन्स, पम्पकिन और ककम्बर्स वर ऑलरेडी ग्रोइंग, मीन्स ये स्मॉल ये प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो चुके थे। द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रिट्ज ट्रैवल टू द वुड एक्सप्लोरिंग and finding such exotic plants as one with waxy fruit from which candles could be made. अब next day, अभी तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, ठीक है, everything was going okay, और next day father और Fritz, father means William और उसका son Fritz, they travel to the woods in the sense, to the forest, exploring and finding such exotic plants. Explore means किस चीज़ को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, और फाइंडिंग अगेन ढूंढना मीन्स उजागर करना, एक्सप्लोर मीन्स और फाइंडिंग मीन्स ढूंढना, सच एग्जॉटिक प्लांट्स, एग्जॉटिक मीन्स डिफरेंट, यू माइट हैव सीन डिस्कवरी चैनल और एनी वेयर यू माइट हैव सीन इन द वीडियोज, लाइक आइलैंड्स में या फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जो रेयरली हमको देखने को मिलते हैं। तो द नरेटर इज सेइंग दैट they went there to see that exotic plants, to find some exotic, exotic means different ya attractive plants ko, as one with waxy fruit, aur khaskar unko aisa kuch plant chahiye tha jiske fruits mein wax ho, wax se kya hoga, from which candles could be made, kyunki wahan par light nahi hoti hai, obviously electricity nahi hoti hai wahan pe, right, to unko वहाँ पर लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए व्हाट दे डिड, दे वर जस्ट सर्चिंग फॉर एग्जॉटिक प्लांट्स एंड स्पेशली विद वैक्सी फ्रूट सो दैट दे कैन फॉर्म कैंडल बाय यूजिंग दोज फ्रूट। फ्रिट्स डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सक्यूडिंग अ रबरी सैप। नाउ सी, फ्रिट्स को कुछ मिला, व्हाट डिड ही डिस्कवर, ही डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सक्यूडिंग, एक्सक्यूडिंग मीन्स रिलीजिंग इन ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स में कुछ रिलीज हो रहा था, एक्सक्यूडिंग अ रबरी सैप, तो क्या रिलीज हो रहा था, कुछ रबर सा कुछ लिक्विड रिलीज हो रहा था, फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स, और फादर ने क्या बोला कि ये जो सैप है, ये जो लिक्विड है, दिस सम लिक्विड सब्सटेंस लाइक रबरी सब्सटेंस, रबरी सैप, तो इससे वॉट कैन वी डू, इस ट्री से या इस रबरी सैप से हम क्या कर सकते हैं, बूट्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं।
Thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements. Up, obviously, seasons कहीं भी होंगे, they will come, they will change. Right? It is not like that a person is on island, so कोई season नहीं होंगे. So it is not like that. Winters भी आएंगी. So thinking ahead of next winter, father decided to create a place safe from the elements. Father ने क्या decide किया? That there should be a safe place for the coming winters from the elements. So whatever things were available with them, उन सब चीज़ों से उसने सोचा कि हमको कुछ अच्छा safe home बनाने की ज़रूरत है. A strong storage spot to protect themselves and their belongings. और एक strong storage spot. Strong, you all know meaning of strong. Storage means जहाँ पर आप किसी को store कर सको. Spot means वो जगह. तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए हमको जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को भी रख सकें और ख़ुद को भी प्रोटेक्ट कर सकें. फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव. और फ्रिट्स के पास एक आइडिया आया. फ्रिट्स गॉट एन आइडिया एंड दैट आइडिया वॉज ऑफ अ केव. एक गुफा, एक केव. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपन दैट वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड गुड डे.